है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामानंद सागर के सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल के बारे में, और आपको बता दें कि कैसे अरुण गोविल मुंबई काम सीखने के लिए आए हुए थे और बन गए राम। आखिर उनके साथ ये सब कैसे हुआ, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा, और रोजाना ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि स्कूल के दिनों में अरुण गोविल कई नाटकों में पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी एक्टर बनने का सोचा ही नहीं था कि मैं कभी एक्टर भी बनूंगा। और जब बात उनके करियर की आई, यानी कि उन्होंने अपना करियर चुनने के लिए सोचा, तो वो सीधे ही मेरठ से मुंबई अपने बिजनेसमैन भाई के पास, जो कि पहले से ही वहां पर सेटल थे, काम सीखने के लिए आए हुए थे और अपना करियर सेट करना चाहते थे। और फिर 1977 में वो पहला मौका भी आया, जब उन्होंने फिल्म पहली से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी की हुई थी। और फिर इसी के बाद उनकी मुलाकात रामानंद सागर से भी हुई, और उन्होंने विक्रम और बेताल शो में उन्हें राजा विक्रमादित्य का रोल भी दे दिया था। और वो राम कैसे बने, यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि जब रामानंद सागर ने रामायण बनाने का विचार किया, तो सबसे पहले उनको अरुण गोविल का चेहरा याद आया, और उन्होंने रामायण सीरियल में राम के रोल के लिए अरुण गोविल को ही चुन लिया था। इसी वजह से अरुण को शो में राम बनने का मौका मिला था, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए अरुण गोविल को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और इस शो के लिए उन्होंने अपनी स्मोकिंग को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया था और इसी किरदार के रूप में जीना शुरू कर दिया था। और जब भी आज हमारे सामने प्रभु राम की बात होती है, तो हम सभी के जहन में अरुण गोविल का ही चेहरा आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कैसा लगा रामानंद सागर के सीरियल रामायण के राम यानी कि अरुण गोविल के बारे में जानकर, और इनके बारे में आपकी भी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर आपका वीडियो देखने के लिए बहुत